मान लीजिए हमने कोई अंक ले लिया, जैसे कि कोई भी अंक ले लेते हैं, जो जैसे कि हम लोगों ने ले लिया 12.85, 8585 ऐसे ही करते जा रहा है। इसके लिए हम ऊपर इसके बार लगा देते हैं कि मतलब ये 8585 ही आगे करके चला जा रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये एक्स है, एक्स के बराबर है 12.85। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम दूसरा समीकरण बनाने जा रहे हैं, थोड़ा तेज़ी से लगाने जा रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए अब दूसरे समीकरण को लगाने के लिए हमको ये जो 85 है, एक 85 को इधर लाना पड़ेगा, इसलिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू 85, ओ सॉरी 12.85 बार इतना। तो यहाँ पर हो जाएगा 100x बराबर 12.85.85। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये हो गया हमारा। तब हम घटा लेते हैं, समीकरण 2 है 100x बराबर 12.85.85। अब समीकरण हम 1 घटा लेते हैं, x बराबर 12.85। समीकरण 1 को घटाने पर ट्रिक दूसरी की तरह हम 85 और 85 को दशमलव जो है इसको हम काट देते हैं। फिर अब उसके बाद 1285 में से 12 को घटाने पर 5 में से 3 गया, अरे सॉरी सॉरी 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर 12, फिर बराबर 100 में से 1x गया 99x। वैसे ही समीकरण को हम हल कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 12.73/99। यदि हम 99 का भाग इसमें दें 1273 में, तो जो भाग दें इसका इसमें, तो हमारा आंसर आएगा 12.85 85 85। ऐसे ही करके आगे चला जाता आ जाएगा, ऐसे ही 85 85 85 आता चला जाएगा। ये रहा हमारा आंसर, आप एक बार देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा थर्ड ट्रिक था, ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन। फिर उसके बाद देख लीजिए हमने कैसे कैसे किया, आप भी ऐसे करेंगे तो आपका आंसर और आराम से भी लगा लेंगे सवाल को। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक।